अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो वो अस्पताल जाता है, लेकिन अशोक नगर के नई सराय में माजरा उल्टा ही साबित हो रहा है, जहां बारिश के दिनों में अस्पताल की ही हालत खराब हो रही है। दरअसल नई सराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज इलाज कराने तो आते हैं, मगर अस्पताल परिसर तक नहीं पहुंच पाते। इसका मुख्य कारण है अस्पताल परिसर में पानी भरना। करीब एक साल पहले 8 लाख की लागत से बनने वाली बाउंड्री वॉल को ठेकेदार ने गुणवत्ताहीन बनाया था, जिसका खामियाजा बारिश में लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पानी की निकासी नहीं होने से अस्पताल में पानी भरा रहा है, जिससे मरीज और डॉक्टर परेशान हो रहे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि जो नई बाउंड्री वॉल बनाई गई है ठेकेदार के द्वारा, इसमें कहीं भी पानी का निकास नहीं है। अस्पताल परिसर में नहीं, बाकी की जो सीओ रोड से लेकर हॉस्पिटल तक कच्ची रोड डाली गई थी पंचायत के द्वारा, और जिसमें बगल में नालियां दी गई थी। कई बार मैंने ठेकेदार को अवगत कराया कि इसके साइड से जो पंचायत द्वारा नालियाँ बनाई गई थी, उन नालियों को जो है आप वैसा का वैसा बना जाएँ, अन्यथा बारिश में लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होगी। और आज वही देखने को नज़ारा मिल रहा है यहाँ, क्योंकि ठेकेदार का जो मलबा था वो कच्चा मलबा मिट्टी का, वो रोड पर पटक दिया उसने और नालियाँ फूट दी गई। आज यहाँ आने जाने के लिए कोई भी साधन नहीं आ सकता। इसकी वजह ये रही क्योंकि कल देर रात को पानी बहुत नई सराय में बहुत तेज पानी था, जिसकी वजह से जो नवनिर्मित अस्पताल के चारों तरफ नवनिर्मित बाउंड्री बनी हुई है, जिसके कारण अस्पताल कैंपस में पूरे में पानी भर गया, और उसके वजह से मैं अपने कैंपस से भी बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि घुटने घुटनों तक पानी भरा हुआ था। इस वजह से मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया। चूँकि ये अस्पताल की जब बाउंड्री बन रही थी, तभी मैंने ठेकेदार से और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से ये मैंने कहा भी था कि सर ये बाउंड्री बन रही है, बना जरूर रही है, लेकिन जब तक अगर इसमें नाले का या पानी का निकास अगर आपके द्वारा नहीं दिया जाएगा तो ये बाउंड्री कोई काम की नहीं रहेगी और हमें बहुत परेशानी आएगी आने जाने में। इसकी वजह ये है कि जो बिल्डिंग इसका निर्माण किया गया है वो ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है, तो इसकी छत घटिया स्तर की है और इसका पलस्तर नहीं किया गया, और हमेशा से ही जब से ही बिल्डिंग का निर्माण हुआ है तभी से इससे पानी टपकता है, बरसात में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को बैठने के लिए।